नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे, क्या आपकी ओर से आपका मुकदमा लड़ने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं तो किन मामलों में और नहीं कर सकते हैं तो किन मामलों में। ऐसा इसलिए कि कई बार आदमी बीमार रहता है या कई बार उसको सर्विस के कारण बाहर रहना पड़ता है या व्यापार के कारण बाहर रहना पड़ता है या उसकी मानसिक स्थिति या दिमागी हालत ऐसी होती है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकता। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि वो वृद्ध होने के कारण भी कोर्ट में नहीं जा सकता और उसको कोई ना कोई मुकदमा उसके अधिकारों के लिए उसको लड़ना जरूरी होता है। ऐसी परिस्थिति में वो सोचता है कि मैं अगर मुकदमा करूँगा तो मैं अपना व्यापार नहीं कर पाऊँगा या अपनी नौकरी पर नहीं जा पाऊँगा या मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, तो इस कारण से वो मुकदमा करता नहीं है। तो आज के जो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि किन परिस्थितियों में आप अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को लगाकर मुकदमा कर सकते हो और किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते हो। देखो, एक मुकदमा तो वो जो आप करना चाहते हो, ठीक है, दूसरा मुकदमा जो आप पर कर रखा है, यानी कि एक मुकदमा जो आपने बलि कर रखा है आप करना चाहते हो उसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति को जोड़ना चाहते हो कि वो आपकी तरफ से मुकदमा लड़े, किसी ने आप पर मुकदमा कर रखा है और आप कोर्ट में नहीं जा पा रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति मुकदमा लड़े, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों में क्या क्या भिन्नता है और कब आप अपनी तरफ से वकील लगा सकते हो देखते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई मुकदमा करना चाहते हो या आपने कोई मुकदमा किया है, ठीक है। अब ये बात क्या है कि देखो, मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं कि कानून में क्या है, बहुत ही बारीक काम आपको देखना पड़ता है या आपके एडवोकेट को देखना पड़ता है। एक जैसे मुकदमे कभी उस साइड फैसला हो जाता है, कभी इस साइड फैसला हो जाता है, तो यानी कि जो एडवोकेट आपका मुकदमा लड़ रहा है, मुकदमा देख रहा है, उसको बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को देखनी पड़ती है। एक प्लान बनाना पड़ता है कि सामने वाला क्या लाएगा, मुझे क्या कहना है, गवाह को क्या कहना है, पत्रावली क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है, हर चीज़ को देखने के बाद ही मुकदमा होता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, किन मामलों में आप वकील के अलावा आपकी तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हो और किन मामलों में नहीं, इसको बारीक से समझना जरूरी है। तो मान लो आपने किसी व्यक्ति पर मुकदमा किया है या आप करने वाले हो, तो उस मुकदमे की किस्म पर निर्भर करेगा। एक तो हो गया फौजदारी, ठीक है, जो आप करने वाले हो या आपने किया है। दूसरा हो गया सिविल या रेवेन्यू माफ, सिविल वाद वो जो संपत्ति से संबंधित सिविल कोर्ट में चल रहे हैं या जमीन संबंधी मांग जो रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं, जो आप करने वाले हो आपने किए और अब आप कोर्ट नहीं जा पा रहे हो, तो आपकी तरफ से उन मामलों में क्या दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त कर सकते हो, यानी एडवोकेट के अलावा। एडवोकेट तो नियुक्त कर ही रखा है, पर आप चाहते हो कि आप जिस व्यक्ति को नियुक्त करो वही एडवोकेट करे और सारा कुछ वही देखे और कोर्ट में जाके गवाह भी वही दे, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो जो फौजदारी मामले हैं, जो पुलिस से संबंधित मामले हैं, ठीक है, उन मामलों में अगर आप मुकदमा करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थाने में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जैसे कि आपके साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट की है, तो क्या आप दूसरे व्यक्ति से रिपोर्ट दिला सकते हो? तो हाँ, दूसरे व्यक्ति से रिपोर्ट दिला सकते हो। इस प्रकार के जो मामले हैं, धोखाधड़ी के मामले हुए या मारपीट के मामले हुए, इनमें आप रिपोर्ट तो कोई भी दूसरा व्यक्ति दे सकता है, थाने में जाकर या कोर्ट में मुकदमा भी कर सकता है, मगर उसमें गवाही आपको ही देनी पड़ेगी। यानी कि आपको जो फौजदारी मामले हैं उसमें कम से कम एक बार जाना पड़ेगा, बाकी आप जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हो वो सारा देख सकता है। अब मामला रेवेन्यू और सिविल मामला, यानी कि लेन देन का मामला है और जमीन संबंधी मामला है, तो उसमें आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी, मगर इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसके तहत आपको क्या करना पड़ेगा कि गवाही आपको ही देनी पड़ेगी। हालांकि ये व्यक्ति भी गवाह दे सकता है, मगर ये सारे तथ्य नहीं जानता है
आप सारे तथ्य जानते हो तो आपको एक बार जाना पड़ सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब जो आपने मुकदमा किया है या जो आप पर मुकदमा किया गया है उसमें फौजदारी और मामले में तो आप थाने में रिपोर्ट को भी दे सकते हैं, मगर गवाही आपकी होगी। सिविल रेवेन्यू में आपकी जमीन का है, आपकी कोई लेन देन का मामला है, वो आपकी तरफ से कोई भी अन्य व्यक्ति लड़ सकता है और वो खुद ही वकील नियुक्त कर सकता है, जब तक कि आप उसको ये बात लिखित में पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दो। पावर मतलब उस व्यक्ति को आप आपकी तरफ से पावर दे रहे हो कि भाई मेरी तरफ से तुम मुकदमा लड़ना, जो भी तुम मुकदमा लड़ोगे, जो भी तुम कोर्ट में एविडेंस पेश करोगे, जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा, फिर आप बदल नहीं सकते। तो आप जो मुकदमा कर रहे हो यहाँ पर किया है उसमें आपको समझ में आ गया। अब है कि आप पर किसी ने मुकदमा कर रखा है, यानी आप अभियुक्त हो, ठीक है, एक तो फौजदारी हो गया, इसमें भी सिविल और रेवेन्यू। इस आप पर किसी ने अगर मुकदमा कर रखा है फौजदारी, तो आप क्या हो उसमें? अभियुक्त, यानी आपको मुलजिम बनाने के लिए उसने मुकदमा कर रखा है। तो इस प्रकार के मामले में आप अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते। जैसे चेक का मुकदमा चल रहा है और आप चाहते हो आपको आपके ऊपर किसी ने चेक का मुकदमा किया और आप चाहते हो कि आपने जाके आपकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति जाए, तो वो नहीं लड़ पाएगा, आपको जाने का। या आपने किसी के साथ मारपीट की, या जैसे किसी ने भी कोई भी अपराध किया है और आप चाहते हो कि मैं नहीं लड़ूँ, मेरी तरफ से दूसरा व्यक्ति जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फौजदारी मामले में आपको ही जाना पड़ेगा, यानी कि जो आपके द्वारा आपके तो चालान आया उसमें आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ऐसा था नहीं कि भाई आप मैंने किया है, मेरी तरफ से इसको भेज रहा हूँ, सजा भी इसको दे दो, जेल भी इसको भेज दो, इसने नियुक्त कर लिया और हम दोनों के आपस में बात हो गई है, सामने वाले मान रहा है, तो कोर्ट को क्या तकलीफ है? ऐसा नहीं होगा। यानी फौजदारी मामले में आप इसमें नहीं कर सकते। फिर सिविल और रेवेन्यू, यानी आपके जमीन का मुकदमा आपके ऊपर किसी ने किया है, या आपकी रेवेन्यू मुकदमा किसी ने किया है, कोई जमीन लेन देन का मुकदमा है, या जमीन के बंटवारे का मुकदमा है, सिविल और रेवेन्यू मुकदमा है, उसमें आपके ऊपर किसी ने मुकदमा किया और आपके ऊपर कोई कागज आया है, समन आया है कोर्ट का कि आपको पेशी पर उपस्थित होना है, उस संबंध में आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हो कि भाई मेरी तरफ से तुम मुकदमा लड़ और जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा। मगर इसमें भी यही है कि एक बार आपको जाके गवाही देना उचित रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि क्या आपकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति जिस मामलों में नियुक्त हो जाता है, क्या नियुक्त करना उचित है? भाई आप चाहते हो कि नियुक्त करना उचित है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। नियुक्त करने के फायदे नुकसान, फायदे नुकसान भी देख लेते हैं। पहले सब फायदे की बात करते हैं, फायदा सबको पसंद है, फायदा, ठीक है। एक तो आपका जाना नहीं पड़ेगा, समय बच गया, ठीक है। दूसरा, आप दूर हो कहीं से तो आपको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, एक मानसिक टेंशन नहीं होगी, ये आपके फायदा होने की बात। नुकसान की बात भी कर लेते हैं। अगर उस व्यक्ति को उस मामले के संबंध में पूरी जानकारी नहीं और वो कोर्ट में कुछ भी उल्टी सीधी बात कर देता है, तो आपको उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। दूसरा, एक जब उसकी गवाही होगी तब सामने वाला वकील एक ही बात पूछेगा, देखो आप तो उनकी तरफ से मुकदमा लड़ रहे हो, उनको मेरा कोई लेन देन हुआ था आपको पता नहीं, हर बार आपके पास खड़े रहते हो, हर बात वो आपको नहीं बताता है, इस प्रकार कुछ प्रश्न पूछता है तो उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि गवाही के समय आपको जाना आपके लिए फायदेदायक रहेगा। मगर जो लोग बाहर नौकरी करते हैं या बाहर रहते हैं, उनके संपत्ति का बंटवारा करवाना है, या उनकी संपत्ति में किसी ने कब्जा कर लिया, कब्जा हटवाना है, या उनका कोई पैसे का लेन देन का मामला है और सामने उस वाले पर मुकदमा करके पैसे लेना है, या किसी व्यक्ति पर ऊपर चेक का मुकदमा भी करना है, तो उस संबंध में आप अगर आप बार बार कोर्ट में नहीं जाना चाहते हो या दूर हो और इधर नियाद निकल रही है, समय निकल रहा है, तो आप आपकी तरफ से किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करके उस व्यक्ति से अपना मुकदमा लड़वा सकते हो। मगर इससे बेहतर यह है कि आप जिस व्यक्ति को नियुक्त किया ना, तो आप वकील खुद ही नियुक्त कर दो, तो वकील ही मुकदमा लड़ता रहे, क्योंकि उस व्यक्ति को भी वकील तो करना ही है। उस व्यक्ति का तो काम क्या है, सिर्फ एक बार गवाह देना, डॉक्यूमेंट ले जाना लाना। इससे अच्छा है कि आप जो वकील नियुक्त करो उनको भी सारी जिम्मेदारी आप दे सकते हो, मगर ज़्यादातर आप जाने आने की दिक्कत में नियुक्त करना किसी व्यक्ति को सही है, और अगर आपके पास ही कोई वकील रहते हो उनको भी आप सारा काम नियुक्त करने के दे सकते हो, वो मुकदमा ही लड़ेंगे, गवाह बयान तो आपको ही कराने हैं, ठीक है।
मैं इस चैनल पर रेवेन्यू सिविल संबंधी कई प्रकार के मुकदमे बनाता हूँ। आपके भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये जो दिए गए नंबर है 8619876831 उस पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं हूँ उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।